अब इसे राजनीति का रंग कहें या रंग पर राजनीति, जो भी है, देश की सियासत में भगवा गेरुआ पर ऐसा गदर मचा है कि कई दलों के धुरंधर सामने आ गए हैं। और इस संग्राम की शुरुआत हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद, जिसमें बिना नाम लिए ही सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भगवा पहनकर जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अब खड़गे के बयान पर ऐसा घमासान मचा कि बीजेपी के नेताओं से लेकर सहयोगी दल और साधु संघ सब विरोध में उतर आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। इधर बटेंगे कटेंगे से शुरू हुई सियासी नारे, पोस्टर और परिभाषाओं की प्रतिस्पर्धा भी लगातार जारी है। उपचुनाव के रण में सीएम योगी ने पीडीए की एक नई परिभाषा बताते हुए कहा कि पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगई एंड अपराधी है और अखिलेश यादव इसके सीईओ हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है, ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। अब सीएम योगी ने अखिलेश पर ताना मारा तो अखिलेश यादव भी भला कैसे पीछे रह जाते। खड़गे की तरह अखिलेश यादव ने भी निशाना साधते हुए कहा यह संत की भाषा नहीं हो सकती। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी योग्यता की भी जांच होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने, हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों पर जहां सियासी संग्राम मचा है, वहीं सीएम योगी और अखिलेश यादव में भी वाक युद्ध चल रहा है।
ऐसे में सवाल ये, भगवा पर जो मचा है कलेश, उसका क्या है संदेश? क्या फाउल खेल गए खड़गे और अखिलेश?